Okay, so good morning students, and in this video we shall continue our chapter number 6, that is manufacturing industries, that is going on in our class, and we shall continue our chapter. Okay, in the previous video we had discussed our last topic, that was the cotton textile industry. Aur aapko yaad hoga, in the cotton textile industry we had discussed that textile industry is the second largest employment generator in our country. ठीक है, मैं फर्स्ट इज इंडियन रेलवेज एंड सेकंड वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नाउ प्लीज टेक आउट पेज नंबर 17 इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. देखो बेटा, कहते वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड. हाउएवर अवर ट्रेड गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल. ठीक है ना, इसमें बिल्कुल सही बताया. कहते बेशक भले ही इंडिया टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड बट अवर शेयर इज स्टिल very less in the global market in the case of manufactured garments. ठीक है ना, तो भले ही आज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, हम काफ़ी सारा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जहाँ तक बने बनाए रेडीमेड कपड़े जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स, जहाँ तक बने बनाए कपड़े हैं मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स की बात है, इंडियाज शेयर इज स्टिल वेरी लेस इन द ग्लोबल वर्ल्ड. दैट इज ओनली 4%. ठीक है ना, जो कि बहुत कम है, यानी कि दुनिया के टोटल हिस्से का सिर्फ 4% जो है वो हम लोग अपने इसमें लगाते हैं. दैट मीन्स वी आर वेरी लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, बट स्टिल आवर शेयर इन मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स इज ओनली 4%. मुझे लगता है ये प्रॉपरली आपको नीचे तक दिख नहीं रहा है. 1 मिनट प्लीज. Yes. Now I think you can see it properly. ठीक है, तो our share in the case of manufactured garments is only 4%. ठीक है, तो जो कि बहुत कम है अपने आप में, इसमें और इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. दैट इज़ वाई अभी इंडिया इज स्टिल नॉट permanently, completely reliant, self-reliant in the case of manufactured garments also. Okay, bachu? Chalo, next. Now, ek question likho beta, write down the question. What are the problems? Please write down the question. What are the problems being faced by the textile industries of India? What are the problems being faced by the textile industries of India? Write any three points. Now I am rubbing this. ठीक है, ये आपको that was your knowledge, that was your, was for your information. ठीक है, अभी रब कर रहा हूँ मैं, अब हम इसका आगे डिस्कस करें. थैंक यू. इसको मैं रब कर रहा हूँ. ओके, देखो बच्चों, अब हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्यों हम लोग अभी भी पीछे हैं. देखो, द अंडरलाइन प्लीज, द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. प्लीज अंडरलाइन द फर्स्ट पॉइंट. बहुत ही सही पॉइंट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट. नंबर वन,
the weaving, knitting and processing units. Please underline, the weaving, knitting and processing units, and processing units cannot use much of the high quality yarn. Cannot use much of the high quality yarn. High quality yarn. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो बेटा कैसे कहते हैं, जितना भी हमारे, देखो हमारे देश में हम लोग वीविंग भी कर रहे हैं. वीविंग मतलब होता है बुनना. वीविंग क्या होता है? बुनना, निटिंग, धागे को सबसे पहले, देखो सबसे पहले होती है वीविंग. वीविंग मतलब धागा बनाना, फिर उस धागे को बुनना, दैट इज निटिंग, और फिर उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाना. ठीक है, तो कहते हैं ये देखो, तो वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री. देखो सपोज करो, हम लोग इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, हमने कॉटन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, हमारी हमने काफ़ी ज़्यादा खरीद भी लिया, लेकिन उस खरीदने, कॉटन को खरीदने के बाद जो धागा हमने बनाया, उस धागे को, उस धागे से जो बाकी की हमारी यूनिट्स है ना, बाकी की हमारी फैक्ट्रीज हैं जो कि रेडीमेड क्लोथ बनाती हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस धागे को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग करके बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग रेडीमेड कपड़े या गारमेंट्स बना सके. दैट इज द रीजन कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट वी आर नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडीमेड क्लोथ प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, देखो कॉटन से धागा बनाना अलग चीज़ है, कॉटन से धागा बना लेना अलग चीज़ है, लेकिन धागे से आगे रेडीमेड क्लोथ्स को बहुत बड़े स्तर पर बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको कलरिंग भी करनी है, आपको डिजाइनिंग भी करनी है, आपको और भी कई तरह के काम करने होते हैं कपड़े, वो रेडीमेड कपड़ा बनाने के लिए. ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो कॉटन आया है और उससे जो धागा बना है उससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जितना गारमेंट हमने बना लिया लेकिन बाकी का सारा कॉटन को जस्ट रॉ मटेरियल के रूप में एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो खुद हम यहाँ बना ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इतना भारी भरकम कॉटन जो आ गया हमारे पास, इससे सारे के सारे को यूज़ करके हम लोग बड़े स्तर पर वो बना सकें, बड़े स्तर पर रेडीमेड कपड़े बना सकें. तो दैट्स वाई इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. यार्न मतलब धागा, यार्न प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडीमेड क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट्स प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि धागा बना लेना अलग चीज़ है, धागे से आगे बड़े स्तर पर रेडीमेड क्लोथ्स बनाना अलग चीज़ है. ठीक है ना, तो वो हमारी इंडस्ट्री इतने बड़े स्तर पर बना नहीं पाती, तो दैट्स वाई हम लोग कुछ क्वांटिटी में या थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी रेडीमेड क्लोथ्स को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, जबकि फैक्ट क्या है कि वी आर लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी हमें करना पड़ता है. समझ लगी बात? नेक्स्ट, नंबर टू, देर आर सम लार्ज मैनुफैक्ट्रीज इन दी सेगमेंट्स बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स. प्लीज अंडरलाइन, कहते हैं हमारे यहाँ पर गारमेंट्स बनाने की, हमारे यहाँ पर रेडीमेड कपड़े बनाने की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, पर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं, इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके. ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर आज भी ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होती है क्लोथ की, रेडीमेड क्लोथ की, वो कहाँ पर होती है? स्मॉल फ्रेगमेंटेड यूनिट्स, छोटी यूनिट्स, मतलब छोटी फैक्ट्रीज में होती है. ठीक है, और उसकी वजह विच केटर टू द लोकल मार्केट, जो कि छोटे मोटे लोकल मार्केट के लिए होती हैं, बहुत बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग पूरी दुनिया में अपने कपड़े को लेकर, अपने रेडीमेड क्लोथ्स को लेकर कंपीट नहीं कर पाते, जैसे कि कई सारे फॉरेन कंट्रीज करते हैं, जैसे कि चाइना भी इवन करता है. समझ लगी ना बात? अब देखो, कहने को हम लोग बहुत बड़े कॉटन प्रोड्यूसर हैं, कहने को हम लोग बहुत बड़े यार्न प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े धागा प्रोड्यूस करने वाले कंट्री, पर धागा प्रोड्यूस करना अलग चीज़ है, कॉटन को बनाना, कॉटन को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उन सब चीज़ों से, कॉटन से और धागे से रेडीमेड कपड़ा बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है. तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ क्वांटिटी में रेडीमेड क्लोथ्स बना लेते हैं, लेकिन बाकी का सारा कॉटन और यार्न जो है जस्ट ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि सारे के सारा यूज़ करके हम लोग फैक्ट्रीज के अंदर अपना खुद का रेडीमेड गारमेंट इतने बड़े स्तर पर बना सकें. दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडीमेड क्लोथ्स प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. सवाल लगे बच्चों? तो ये सेकेंड पॉइंट प्लीज अंडरलाइन कर लो. देयर आर सम
लार्ज फैक्ट्रीज या सम लार्ज गारमेंट प्रोड्यूसर्स, सम लार्ज गारमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया, बट दीज आर नॉट इन वेरी लार्ज नंबर्स. दैट इज वाई इंडिया सॉरी इसके आगे दिख नहीं रहा, यहां से देख एक ऊपर लिख रहा हूँ राइटिंग अबव, ठीक है, यहां पर ऊपर लिख रहा हूँ. वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन द स्कूल, ठीक है, हम स्कूल में बना रहे हैं, तो दैट्स वाई ये बड़ा बोर्ड है, ठीक है, तो ये स्कूल में वीडियो बन रही है, तो दैट्स वाई थोड़ा बड़ा बोर्ड है बेटा, इसलिए तो दैट्स वाई इसके ऊपर यहाँ से इंडिया डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द largest cotton producers as well as yarn producers comma is not one of the largest garment producers of the world. सब लगी चीज बेटा क्लियर हो सभी को कि चाहे देखो फिर से रीडिंग करो पॉइंट की. देर आर सम ऑफ द लार्ज गारमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया बट दीज गारमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज आर नॉट इन वेरी लार्ज नंबर्स, ठीक है ना, आर नॉट इन वेरी लार्ज नंबर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज द मेजर रीजन दैट इंडिया डिस्पाइट बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड बट स्टिल इंडिया इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड. कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी कपड़ा बनाने की बड़ी बड़ी रेडीमेड क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्रीज नहीं है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इतने सारे धागे से और कॉटन से बहुत ज़्यादा कपड़ा मतलब कि रेडीमेड क्लोथ बना सके. तो दैट्स हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारा यार्न और कॉटन को जस्ट ऐसे ही रॉ मटेरियल रूप में एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे रेडीमेड क्लोथ को बहुत बड़ी संख्या में बना ही नहीं पाते. तो रीज़न एक ही है कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज या तो छोटी छोटी हैं, ठीक है, या तो स्मॉल फैक्ट्रीज है, या फिर अगर बड़ी फैक्ट्रीज है भी हैं तो वो बहुत कम संख्या में, जिसकी वजह से हम लोग अपना पूरा का पूरा जो गारमेंट है या सॉरी पूरा का पूरा जो धागा है या कॉटन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. चलो नेक्स्ट नंबर 3. ठीक है, आई एम रबिंग दिस नाउ बेटा. नंबर 3, ये वीडियो ना हम लोग स्कूल में बना रहे हैं, आई एम मेकिंग टू बी आर प्रोड्यूसिंग दिस वीडियो इन स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में बनाने की वजह से ये बड़ा काफ़ी बड़ा बोर्ड है, तो दैट्स वाई हमें इतने पोर्शन बनानी पड़ रही है, और वी आर मेकिंग इट इन स्कूल, इसको स्कूल में बना रहे हैं. चलो नेक्स्ट नंबर थ्री बेटा क्या है, दिस इज अ मेजर बैक ड्रॉबैक इन अवर इंडस्ट्री. एज रिजल्ट मेनी ऑफ अवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट यार्न व्हाइल अपेरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक. बिल्कुल सही बात. तो ड्यू टू दिस रीजन कंट्री लाइक इंडिया which is one of the largest cotton and yarn producers of the world is still an importer
is still an importer of ready-made garments. सब लगे बीच कि ये सबसे बड़ा रीज़न है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ना कि या तो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ है और बड़ी फैक्ट्रीज़ है ही नहीं है, और अगर मतलब बड़ी फैक्ट्रीज़ बहुत कम है, और अगर वो बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है भी हैं वो भी इतनी बड़ी कैपेसिटी में नहीं ये सारा का सारा कॉटन और धागा यूज़ कर पाती, तो जिसकी वजह से इंडिया जो कि दुनिया के सबसे बड़े कॉटन और यार्न प्रोड्यूसर्स में से एक है, ठीक है ना, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन एंड यार्न प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड है, वो अभी भी स्टिल एंड इंपोर्टर ऑफ द रेडीमेड गार्मेंट्स। ये रीजन कि इंडिया जैसा कंट्री जो कि इतना ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, जो कि इतना ज्यादा धागा प्रोड्यूस करता है, आज भी इतना ऐसा देश एक रेडीमेड गार्मेंट्स के केस में एक इंपोर्टर कंट्री है। हमें काफ़ी सारा रेडीमेड कपड़ा जो है, डिज़ाइनर कपड़ा जो है, वो इंपोर्ट करना पड़ जाता है। रीज़न कि हमारी फैक्ट्रीज़ या तो बड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, और जो बड़ी फैक्ट्रीज़ है भी हैं उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, तो रेडीमेड गारमेंट्स के केस में आज भी हम लोग एक इम्पोर्टर, जबकि हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा धागा प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में, फिर भी हम लोग ऐसा समझ लगे। दिस इज़ ये क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे देश के टेक्सटाइल सेक्टर की, स्पेशली और कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर, ये सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर की हमारी डेफिशिएंसी है। सवाल लगे बच्चों, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था जो हमने अभी क्वेश्चन लिखा था। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कर लो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन द क्वेश्चन, की क्वेश्चन लिखा हुआ बुक में, अंडरलाइन द क्वेश्चन प्लीज। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। प्लीज अंडरलाइन द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एनी फाइव पॉइंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स। कहते हैं, देखो क्वेश्चन को समझो, कहते हैं हमारे कंट्री में ना हमें ज़्यादा वीविंग सेक्टर को इंपोर्ट करने की, वीविंग सेक्टर को इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहते इंडिया जो है, देखो यहाँ पे लिखा, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंट्री एंड लार्जेस्ट यार्न एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री। कहते हम लोग दुनिया में बहुत बड़ा धागा प्रोड्यूस करने वाले और धागे को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री, ठीक है, लेकिन कहते आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया को धागा बनाने के बजाय रेडीमेड कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि अब देखो, आप खुद सोचो अपनी तरफ से कि हमें ज़्यादा फ़ायदा किस में है, हमें सिर्फ धागा एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है कि कपड़े को खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करके, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? हमें ज़्यादा फायदा कब है? जब हम रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करें और यहाँ पर रेडीमेड कपड़ों को खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करके अपने कंट्री से फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें, तब हमें ज़्यादा फायदा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन होगी, ये सबसे बड़ा रीज़न। इसीलिए हमें रेडीमेड गारमेंट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जस्ट धागा प्रोड्यूस करने की। धागा प्रोड्यूस करना तो बहुत आसान है, वो तो किसी भी एक फैक्ट्री में हो जाएगा, उसके लिए तो थोड़ी सी फैक्ट्री चाहिए, तो कुछ फैक्ट्रीज चाहिए और थोड़ा सा लेबर चाहिए, जस्ट धागा प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन मेन बात होती है कि आपने रेडीमेड कपड़ा कितना प्रोड्यूस किया, रेडीमेड कपड़े वो कितना, कपड़ा गारमेंट्स कितने बनाए, वो कपड़े जो रेडीमेड कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, इनको बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको अपने देश में मैन्युफैक्चर करना जरूरी है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है रेडीमेड गारमेंट्स। जब हम लोग ये बहुत मतलब करते हैं, हम लोग गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं पर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं करते कि अपने पूरे कंट्री की नीड्स को पूरा कर सकें, जिसकी वजह से हमें कुछ मामलों में गारमेंट्स को बाहर के कंट्री से मंगाना पड़ता है, जबकि हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा धागा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री तब भी। तो इसीलिए हमें इसको बनाने पर ध्यान देना चाहिए, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स को, ना कि सिर्फ धागा बना के एक्सपोर्ट करने, इसको जब हम बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा हमारे पास फॉरेन कंट्रीज। सवाल की बात, क्वेश्चन पर कर लो प्लीज। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव अवर वीविंग सेक्टर, टू इंप्रूव अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। हमें अपने कपड़ा बुनने के सेक्टर को ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत क्यों है एज कम्पेयर टू के सिर्फ धागा बना के एक्सपोर्ट करने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट एनी फाइव पॉइंट्स। चलो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ, रबिंग दिस नाउ, ठीक है। चलो
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वाई विश्व, वाई इंडिया। क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सिंपल कर लेते हैं कि वाई वाई इंडिया शुड कंसंट्रेट, इंडिया शुड कंसंट्रेट मोर, इंडिया शुड कंसंट्रेट मोर ऑन वीविंग, ऑन वीविंग ऑफ क्लोथ्स दैट इज गारमेंट्स, वीविंग ऑफ क्लोथ्स दैट इज गारमेंट्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग द यार्न, राइट एनी फाइव पॉइंट्स, राइट एंड फाइव। ये जो क्वेश्चन आपने अंडरलाइन किया ना अभी बुक में, ये जो क्वेश्चन अंडरलाइन किया इसको और करके कर लो, और करके ये क्वेश्चन लिख लो, सब लिख लो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है ये भी करना है, इसको आगे और कर लो, और करके ये क्वेश्चन लिख लो, आगे ये पूरा क्वेश्चन लिख लो कि हमें हमारे देश को ज्यादा वीविंग पर, कपड़ा बुनने पर, वीविंग मतलब बुनना, तो कपड़ा बुनने के पर ज्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए एज कंपेयर टू कि सिर्फ धागा पैदा बना लिया और उसको एक्सपोर्ट कर लो। एनी फाइव पॉइंट्स, अब इसका आंसर जो है ना ये आपकी बुक में नहीं है, हम लोग खुद डिस्कस करेंगे इसका आंसर, देखो और हमने कर भी लिया, ठीक है कर भी लिया, तो उसी के ऊपर हम बेस्ड अपना आंसर यहां पे डिस्कस करते हैं। देखो नंबर वन, इससे पता क्या होगा, अगर हम लोग ज्यादा इफ वी फोकस मोर ऑन वीविंग सेक्टर, इफ वी फोकस मोर ऑन वीविंग सेक्टर देन इट विल हेल्प अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्लोथ्स या गारमेंट्स इन अवर ओन कंट्री, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, सेक्टर ऑफ अवर कंट्री, दैट विल इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अवर कंट्री। इससे हमारे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखो हमारा चैप्टर भी कौन सा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग सिर्फ धागा बना के एक्सपोर्ट करी जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट्स को अपने कंट्री प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धागा अपने कंट्री प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा हमारे देश में। उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, हमारे खुद के कंट्री में चीज़ें बनने लग पड़ेंगी। उससे फायदा ये होगा कि हमारे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है आगे करते हैं, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नंबर टू, नंबर टू में क्या आएगा, देखो बेटा ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसका अगर हेडिंग बनाना है, इसका हेडिंग बनाना है तो हेडिंग बना लो Give boost to manufacturing sector ऐसे हेडिंग बना। ये फर्स्ट पॉइंट का हेडिंग। Give boost to the manufacturing sector। ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नंबर टू का हेडिंग क्या बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में लगेगा, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में लगेगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हमारे देश में लगेगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतना ज़्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतनी ज़्यादा हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा. और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नंबर थ्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिजल्ट क्या निकलेगा, रिडक्शन रिडक्शन इन पॉवर्टी. उतना ही हमें पॉवर्टी को घटाने में, गरीबी को घटाने में मदद मिलेगी. नेक्स्ट नंबर फोर, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. उतना ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करने में मदद मिलेगी. नेक्स्ट नंबर फाइव, राइज इन एक्सपोर्ट्स. हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, राइज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाए. अभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेडीमेड गारमेंट्स को इम्पोर्ट करना पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ धागा बनाने की फैक्ट्रीज ज़्यादा है, कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की कपड़े कम की फैक्ट्रीज कम है. तो जिसकी वजह से हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा ना होने की वजह से हमें गारमेंट्स को बाहर से मंगाना पड़ जाता है. अगर सब कुछ हमारे देश में बनेगा, अगर हम लोग सिर्फ धागा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, धागे के साथ साथ हम लोग गारमेंट्स को प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगा. राइज इन अवर एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा. और जब हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, नंबर सिक्स ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख लेंगे. राइज इन एक्सपोर्ट से फायदा क्या होगा, मोर FDI. उतना ही हमारे साथ देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उतनी ज़्यादा फॉरेन इनकम हमें होगी, उतना ज़्यादा पैसा हमारे देश में होगा. अब जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे देश में मोर प्रॉस्पेरिटी, उतना ही हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. इसके अलावा देखो क्या होगा, लेस इम्पोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स. हमारे देश में गारमेंट्स का इम्पोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, या तो ख़त्म ही हो जाएगा, गारमेंट का इम्पोर्ट बंद ही हो जाएगा, या फिर बहुत कम रह जाएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाले, गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बन जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्टर्स कंट्री. तो इससे क्या होगा, लेस इम्पोर्ट्स ऑफ द गारमेंट्स. अभी हम क्या कर रहे हैं, मोर इम्पोर्ट ऑफ गारमेंट्स. तो फिर हम क्या करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स करेंगे तो फिर क्या होगा, लेस इम्पोर्ट ऑफ गारमेंट्स, क्योंकि सारे गारमेंट्स, सारे रेडीमेड बड़े बड़े कपड़े जो है, अच्छे अच्छे कपड़े हमारे देश में डिज़ाइन हो रहे होंगे, हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम तो चीज़ों का एक्सपोर्ट करना शुरू करें और इम्पोर्ट बहुत कम करें. इज दैट क्लियर? उसके अलावा नंबर नाइन, ये कोई भी फाइव पॉइंट जो अच्छे लगे ना, बढ़िया बढ़िया वो लिख लेना. नंबर नाइन, गिव बूस्ट टू द रिलेटेड इंडस्ट्रीज. इससे क्या होगा, आपको याद होगा हमने ना पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना, ये सिर्फ अपने टेक्सटाइल में ही इम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करती, ये अपने से रिलेटेड और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में इंप्लॉयमेंट जनरेशन करती है. जैसे अगर सपोज करो मैंने गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्री लगाई, उसमें मैं अलग अलग तरह के शर्ट्स और जीन्स बनाता हूँ, ठीक है. अब अगर मैं शर्ट्स और जीन्स बनाने की फैक्ट्री लगाई है तो मुझे उसको कलर भी तो करना पड़ेगा, डाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है. उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा गारमेंट इंडस्ट्री लगेगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग, हमारे यहाँ पे कलर का भी यूजेज बढ़ जाएगा, डाई का एक्सपोर्ट हमारे ये देश में से यूजेज बढ़ जाएगा. इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे देश में केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा लगेंगी, हमारे देश में डाइंग इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा लगेंगी, हमारे यहाँ पर अपने ये जो कलर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ज़्यादा लगेंगी. इससे फ़ायदा क्या होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा.
सवाल लगे ना बात। तो मतलब कि अगर अगर हम लोग अपने देश में गारमेंट्स बनाना शुरू कर दें, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें, उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है लाइक लिख लो लाइक डाइंग इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री ठीक है, ये दिख नहीं रहा तो ऊपर लिखो डाइंग इंडस्ट्री ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो कलरिंग इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इन सबको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ अगर हम लोग अपने देश में बड़े स्तर पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पर लगा दें, उससे फ़ायदा क्या होगा कि इन सारी इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ये सारी इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी, और इसका इससे क्या होगा इन सब इंडस्ट्रीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट भी हमारे देश से बढ़ जाएगा सिर्फ एक गारमेंट्स इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर लगाने से। समझ लगी बात? देखो इससे क्या होगा, डाइंग इंडस्ट्री जो डाई करना है उसको भी फायदा मिलेगा, अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं केमिकल्स इंडस्ट्री को फायदा होगा, ठीक है, कलर अलग अलग यूज होते हैं कलर इंडस्ट्री को फायदा होगा, ठीक है। पैकेज, आपको पता है हमने अगर मैंने गारमेंट्स बनाए हैं रेडीमेड गारमेंट्स बनाए हैं तो सीधे तो बेचूंगा नहीं मैं, पैकेज उसको गत्ते के डिब्बे में पैक करके उसको सील बंद करके फिर बेचूंगा, तो उससे क्या होगा पैकेजिंग इंडस्ट्री जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है कार्टून इंडस्ट्रीज को बोलते हैं वो पैकेजिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, इससे क्या होगा इन सब इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा और इन सब इंडस्ट्रीज की भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी और ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे और कम इम्पोर्ट होंगे सिर्फ एक गारमेंट्स इंडस्ट्रीज को बड़े स्तर पर लगा देने से। दैट इज वाई हम वी आर सेइंग दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ द कंट्री, और इसको हम लोग फर्स्ट लार्जेस्ट भी बना सकते हैं अगर हम लोग इसको बहुत बड़े स्तर पर लगा देते हैं, क्योंकि फिर ये सारी इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। सवाल लगी याद बात प्यार बच्चों, एनी डाउट्स? अगर डाउट्स हैं तो आप लोग भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, ठीक है, the need to import is still felt, ठीक है ना, आज भी हमारे को देखो वही बात आ रही है, अभी भी हम लोग गारमेंट्स प्रोड्यूसन कर रहे हैं, ये नहीं कि आज भी हम लोग गारमेंट प्रोडक्शन नहीं कर रहे, गारमेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे मैंने बताया हम लोग उतने बड़े स्तर पर नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ना हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छे कपड़े पहनाने के लिए हमारी प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चाहे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे संख्या में लोग आज भी ऐसे हैं जो अच्छे और महंगे कपड़े भी अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा कपड़े वैसे तो सबको चाहिए पहनने के लिए, ठीक है ना, तो चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। तो गारमेंट्स इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। आज भी हम लोग गारमेंट प्रोडक्शन करते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए कैपेबल नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसीलिए इंडिया इज स्टिल द इंपोर्टर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स एंड यार्न प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल वी आर इंपोर्टर ऑफ गारमेंट्स। समझ लगे ना? तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने गारमेंट प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ धागा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देने से। अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर में कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कॉटन से धागा बना रहा हूँ, धागा एक्सपोर्ट करी जा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बस थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बाकी सारा मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, धागा बना रहा हूँ, धागा बना के बेची जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो बनाई, उससे इन सब इंडस्ट्री को भी फायदा नहीं हो रहा। देखो
ना उससे डाइंग इंडस्ट्री को फायदा है, ना केमिकल इंडस्ट्री को, ना कलरिंग इंडस्ट्री को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत फायदा, और पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत फायदा, बस इन सब इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा फायदा ही नहीं। और सिर्फ धागा बनाना अलग चीज़ है, रेडीमेड कपड़े को अपने घर में, कपड़े को अपने देश में बनाना, पूरे क्लोथ्स को अपने गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना बिल्कुल अलग चीज़ है। उससे एक और इंडस्ट्री को फायदा होगा, पता कौन सी एक और इंडस्ट्री, वो है लिख लो इसको, डिजाइनिंग इंडस्ट्री, डिजाइनिंग इंडस्ट्री, थोड़ा ही खत्म हो गई है, डिजाइनिंग, हमने कपड़े को डिजाइन तो करना होता है, ठीक है, तो डिजाइनिंग इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होगा, कम, क्योंकि देखो ना अब जैसे रेडीमेड कपड़े हैं तो उनमें कितने सारे डिज़ाइन भी बनाने पड़ते हैं, जो औरतों के सूट होते हैं देखे होंगे आपने कितने बड़े बड़े डिज़ाइन बने होते हैं, तो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग गारमेंट्स को बेच रहे हैं। अगर मैं सिर्फ धागा बना बना के अपने देश में बेची जा रहा हूं, तो इन सब इंडस्ट्री को कोई फायदा ही नहीं, और उसका भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं। तो दैट्स वाई इट इज़ एब्सोल्युटली राइट टू से दैट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने देश में वीविंग सेक्टर पर, बुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कपड़ा बुनने पर, वीविंग सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करके और धागा एक्सपोर्ट करने पर, बुनने पर, कपड़ों की बुनाई करने पर, गारमेंट्स के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट टू से बेटा, समझ लगे सभी को, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी सबकी, सारे 9 के 9 पॉइंट्स लिख लेना, पेपर के लिए 5 पॉइंट्स कर लेना, लेकिन 9 के 9 पॉइंट्स कॉपी में लिखने, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पावर सप्लाई, बेटा अभी एक और क्वेश्चन लिखो, वाई राइट द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, ये जो पिछला क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था, ठीक है, जो पिछला जिसका पूरा आंसर लिखा वो 5 मार्क्स का था, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, why India is still a garments importer country, why India is still a garments importer country despite the fact that India, despite the fact that India is one of the largest cotton and yarn producers of the world, any three points, so underline please, underline first point, number one, very important point, power supply is erratic, power supply is not permanent and adequate in this country, bahut important point, please underline, main ye ab ye rub kar raha hu, theek hai, I'm rubbing this, नंबर वन, ठीक है ना, पावर सप्लाई इज नॉट परमानेंट, यानी कि क्या लिखा है, एरेटिक पावर सप्लाई इज एरेटिक, हमारे देश में पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, पावर सप्लाई की जो क्वालिटी है दैट इज नॉट वेरी गुड, पावर सप्लाई इज एरेटिक और नॉट सफिशियंट, ऐसे नहीं, ठीक है, या तो हमारे देश में बड़े बड़े बिजली के कट्स लगते थे, 5-5 घंटे लंबे कट्स, 10-10 लंबे कट्स लगते हैं, या फिर क्या होता है, कई जगह पर तो बिजली पहुंची ही नहीं अभी तक, कई जगह ऐसा भी है, तो दैट्स व्हाई पावर सप्लाई इज़ वेरी एरेटिक या नॉट सफिशिएंट इन दिस कंट्री, ये भी एक मेजर रीज़न है कि हमारे यहाँ पर ना गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं, ठीक है, नंबर टू, लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे यहाँ की जो लेबर है ना ये ज्यादातर क्या है, अनस्किल्ड लेबर, लो आउटपुट ऑफ लेबर, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द लेबर इन इंडिया इज अनस्किल्ड
इज अनस्किल्ड. हमारे यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्किल्ड लेबर. अब देखो ना, आपने डिजाइनर कपड़ा बनाना, बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग किया, वो बढ़िया सा कपड़ा बनाना, तो उसके लिए आपको पढ़ी लिखी स्किल्ड लेबर चाहिए जो इतनी बढ़िया डिजाइनिंग कर सकती है. लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या है, अनपढ़ लोग हैं, तो वो अनपढ़ की वजह से क्या है कि वो सिर्फ सामान ढुलाई कर सकते हैं, लेबर का काम कर सकते हैं. तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर ज्यादा एज कम्पेयर टू द स्किल्ड लेबर. तो जिसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज है ना, वो उतना बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाती जितना वो कर सकती भी हैं और करना चाहती भी, क्योंकि उनको स्किल्ड लेबर ज्यादा नहीं मिल पाते. तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर हम उतना बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पा रहे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में जितना हम कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया में जब से ये देखो ना, सिंथेटिक इंडस्ट्री आ रही, तब से फाइबर की वैल्यू कम होती जा रही. सिंथेटिक इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना रोल निभाती जा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कॉटन प्रोडक्शन है ना, या गारमेंट प्रोडक्शन है हमारे देश में, फाइबर प्रोडक्शन है, इसमें कमी आ रही है. कमी तो नहीं आ रही, मतलब कि इसको काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है. लोग ज़्यादा सिंथेटिक लोग ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा सिंथेटिक को ज़्यादा हमारे देश में प्रेफर करने लग पड़े. सिंथेटिक फाइबर, इसको सिंथेटिक का बना हुआ कपड़ा जो है ना, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन क्लोथ. तो जिसकी वजह कॉटन फाइबर की वजह से, तो इसकी वजह से क्या है कि ठीक है ना, तो एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, तो हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से काफ़ी स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है. ठीक है, दैट इज़ वाई जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन से कॉटन फाइबर है ना, वो इतना ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग इतने बड़े कॉटन फाइबर एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं बन पा रहे. ठीक है, तो ये एक मेजर क्या है, ये दीज आर द थ्री मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ अवर सिस्टम ड्यू टू विच वी आर नॉट बिकमिंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइबर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन फाइबर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो हमें इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन सब ड्रॉबैक्स पर पार पाने की ज़रूरत है, इन सब कमियों को दूर करने की ज़रूरत है. आप देख सकते हो जो पहले नहीं दिख रहे थे वो टॉपिक्स यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, यू नाउ दे आर क्लियर, तो आप चेक कर सकते हो. सो ठीक है बेटा, दिस यहाँ तक हमने पढ़ लिया. आज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो वी शल डिस्कस अवर जूट टेक्सटाइल. ठीक है, हम लोग जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे. सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा. स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड योर डाउट्स. ठीक है, आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो इन ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल. ठीक है, तो आप लोग भेज सकते हो. तो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो. और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, प्लीज़ राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर टेक्स्ट नोटबुक्स, और सारे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. एंड प्लीज़ लर्न ऑल दिस. ठीक है जी, सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.